देशभरात केंद्रीय मधमाशा प्रशिक्षण संस्थेचा विस्तार करण्याकडे हे सरकार प्रयत्न करणार असून तरुणांना या माध्यमातून चांगला रोजगारही मिळेल असं केंद्रीय सूक्ष्म लघु राज्यमंत्री गिरीराज सिंह यांनी सांगितले. पुण्यातील शिवाजीनगर येथील केंद्रीय मधमाशी प्रशिक्षण केंद्राला त्यांनी भेट दिली. तिथल्या विविध योजनांचा आढावा त्यांनी यावेळी घेतला. मधमाशांपासून मध उत्पादित करणे हा एक चांगला रोजगार असून शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल यासाठी येत्या काळात या संस्थेचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न असून देशभरातील तरुणांसोबत शेतकऱ्यांचा फायदा होईल यासाठी केंद्र सरकारने चांगल्या निधीची तरतूद केली आहे. मधमाशा देशाच्या अन्न संवर्धनाला मोठी मदत करतात यासाठी तरुणांनी पुढे आले पाहिजे. सरकार त्यांना मदत करण्यास तयार आहे. या वर्षीच्या बजेटमध्ये सरकारने लघु मध्यम उद्योगांसाठी 6,481 कोटींची तरतूद केली आहे तर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमांतर्गत 1,024 कोटींची तरतूद केली आहे. यातून देशातील विविध उद्योग करणाऱ्यांना आता हक्काचे साधन मिळणार आहे असं मत गिरीराज सिंह यांनी यावेळी व्यक्त केले. हनी रिसर्च इन्स्टिट्यूट आज देश को नेचुरल रिसोर्सेस से एक रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन बनाने की योजना KVIC का है. इस इंस्टीट्यूट को और स्ट्रेंथन डिपार्टमेंट करेगी और साथ ही साथ इसका एक्सटेंशन प्रोग्राम भी हम चालू करेंगे. लेकिन देश के अंदर MSME डिपार्टमेंट रोजगार के लिए सबसे कृषि क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा प्लेटफार्म है और KVIC के माध्यम से हम 800 गांव को रोजगार युक्त गांव प्रत्येक वर्ष करेंगे जिसमें सोलर चरखा और हाथ के चरखे लूम सभी होंगे जिससे प्रतिवर्ष 4,00,000 लोगों को रोजगार केवल KVIC देगी. इसके अलावे जो अभी हमने सबसे बड़ा काम किया है बजट के दरमियान 59% MSME के बजट में बढ़ोतरी की गई है. वही नहीं बल्कि देश के सारे उद्यमी जिनका टर्नओवर 250 करोड़ है वो सबके सब 5% करों में छूट होगी. इस छूट के कारण लोगों को रोजगार मिलेगा और जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है इस साल 70,00,000 लोगों को EPF नंबर मिला. अगले 18-19 में मैं उम्मीद करता हूं कि 1 करोड़ लोग फॉर्मल में आएंगे. इनफॉर्मल से कई फोल्ड अधिक होंगे क्योंकि 6,00,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत सरकार ने रखा है और इस कारण मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में रोजगार के एक बड़े अवसर खुलेंगे. लेकिन सबसे बड़ी समस्या है इस रोजगार के लिए चुनौती है, इस विकास के लिए चुनौती है बढ़ती हुई आबादी.